So, whether it is under bloom condition or it is under low growth condition, it is not harmful for us. ऊपर से जब ब्लूम होता है तब क्या होता है इसकी जो आ, इस, मतलब इसको जो खाता है जैसे एंड अदर टाइप ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट्स इसकी जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है और ये जो जितने भी एकवेटिक इंसेक्ट हो, होते हैं इनको कौन खाते हैं फिशेस खाते हैं सो so, ये जो है दिस इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन एक्वाटिक फूड चेन सो एवरी फीडिंग ऑन दिस हाइड्रोडिक

Here in my channel, I do videos about all the biology related topic, not just botany. But here today, I am going to talk about algae, where I will give you an overview. Its distribution, its habit, habitat, morphology, anatomy, its ecological and economic importance as well as control measure. Next part of the video, there will be about reproduction and life cycle so let's begin the video taxonomic position so jo uh, hai uh, apni it belongs to division chlorophyta now one thing i should be telling that apni question jo bi taxonomic position is very important why because whether the question comes about anatomy morphology or reproduction or life cycle economic importance. If we just uh, give, give the taxonomic position, then the uh, the examiner will know that yes, we are we are uh, knowing we know the exact position taxonomic position हमको पता है कि ये जो algae हमको हम जो discuss कर रहे हैं ये हमको अच्छी तरह से हमको इसकी जानकारी है. So taxonomic position should be written in every type of answers. So अगर class chlorophyceae में ये है ये क्या मीन करता है जो है इसकी जो है starch will be the reserve food matter. और इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रहेगी आइदर तो जूस पोर या गैमेट्स हो दे बी बाई फ्लैज दो फ्लैजिला रहेगी एंड विच मीन बेसिकलीव अः स्ट्रक्चर्स आई मीन द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर मोटाइल ऑर्डर जो क्लोरोकोकलिस है तो ये जो है ये आइदर तो सिंगल सिंगल रहती है लेकिन जब कोलोनियल रहती है तो इसकी जो है ऐसे लं लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं जो है इसकी जो एक-एक सेल रहती है ये यूनिन्यूक्लियेट भी हो सकते हैं माइल्ड मल्टीन्यूक्लियेट भी हो सकते हैं एंड जो है इसकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर्स बाय आइदर जूस्पोर या एप्लानो स्पोर अभी जू स्पोर जो है अंडर आ, हाई हाईली एक्वाटिक कंडीशन एप्लानो स्पोर कब तैयार होते हैं जबकि वाटर कंटेंट कम हो जाते हैं तो दिस इज अबाउट क्लोरोकोकलिस जो फैमिली हाइड्रोडिक्टिएसी है हाइड्रोडिक्टिएसी इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि एक ही सेल में बहुत सारे जो है न्यूक्लियस रहती है तो दिस इज मल्टी न्यूक्लियट सेल एंड ये जो इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है एक तो होती है जूसपोर और दूसरी होती है गैमेट्स और वो गैमेट्स भी कैसी होती है आइसोगैमी जो हाइड्रोडिक्टीसी फैमिली है उसकी मोस्टली जो है आइसोगैमी से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अपनी जो प्लांट अपनी जो एलगी है हाइड्रोडिक्टियन या वॉटरनेट इसकी जो है चार या पांच स्पीशी ही पूरी दुनिया में पाए जाते हैं विच मीन्स दैट इसकी जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है और इंडिया में तो हम हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम और रेटिकुलम को ही पाए जाते हैं अब फ्लोट करता है प्लैंकटोनिक और ये जो है सिंगल नहीं रहती कोलोनियल रहती है पर ये जो है नॉन मोटाइल है तो ये इसकी जैसी वॉ नेट है तो ये जो है एक सिंगल सेल है उसके साथ दूसरी सेल Attached है तीसरी सेल अटैच है तो ऐसे जो है एक नेट जैसा कॉलोनी बनाती है और ये जो है दिस uh, हाइड्रोडिक्टियन ये क्या करता है इट विस्पोरा एंड अदर टाइप ऑफ एक्वाटिक एल्गी और इसकी जो है uh, एक प्लांटोनिक uh, हैबिट होने के बावजूद भी कभी कभी uh, जैसे शैलो वाटर में अगर ग्रो कर रहा है तो इट कैन बी ऑल्सो इन बेंथिक फॉर्म मतलब जो है अगर शैलो वाटर है तो ये प्लैंकटोनिक फॉर्म में भी रह सकता है या बेंथिक फॉर्म में भी रह सकता है इफ दिस वाटर इज शैलो तो जो है इसकी जो ग्रोथ होती है वो मोस्टली क्या है गर्मी के टाइम में होता है मतलब स्प्रिंग टू समर मतलब ये जो है इट ग्रो इन हाई टेम्परेचर जैसे 30, थर्टी टू थर्टी फोर डिग्री टेम्परेचर में ये ग्रो करना पसंद करता है पर जो विंटर आता है ये एक डोरमेंसी में आ जाता है तो इसके जो साइज क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक है तो इसकी साइज जो कॉलोनी की साइज है मोस्टली एप्रोक्सीमेटली वन मीटर लॉन्ग और इसकी जो कलर है ये क्योंकि ये ग्रीन एलगी है तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन रहती है सो so, इसकी जो हैबिटेट हैबिटेट क्या है हैबिटेट मतलब ऐसे कंडीशन जिसमें एक प्लांट या एनिमल रहना पसंद करता है तो ये कैसे कंडीशन uh, में रहना पसंद करते हैं हाइड्रोडिक्लिक so मतलब ये ऊपर जो है फ्लोट करना पसंद करता है वाटर के ऊपर कभी कभी जब uh, बहुत ही शैलो वाटर रहती है तब ये एकदम uh, नीचे भी मतलब कभी कभी ये जो है प्लैंगटोनिक फॉर्म में रहती है कभी कभी शैलो वाटर है तो ये वेन्थिक फॉर्म में भी रहती है जो इसकी रहने के लिए क्लीन वाटर में भी ये ग्रो कर लेता है या बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट वाले वाटर में भी रह लेता है सो so, क्योंकि ये क्लीन एंड हाईली न्यूट्रिएंट वाटर दोनों में ही रह सकते हैं तो ये जो है कोई एक्वाकल्चर फैसिलिटी जैसे फिश पॉन्ड में ये रह सकता है कोई इरिगेशन कैनाल में रह सकता है और बहुत ही कॉमन रहती है कि ये राइस फील्ड में भी क्योंकि राइस फील्ड में क्या होता है बेसिन इरिगेशन होता है तो राइस फील्ड में भी ये ग्रो कर लेता है कोई भी वाटर बॉडी जैसे लेक्स हो या स्लो फ्लोइंग रिवर में भी ये ग्रो कर जाता है तो इसके ग्रोथ के लिए जो है बोथ हार्ड वाटर या एल्कलाइन वाटर दोनों में ही ये ग्रो कर सकता है तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर एल्कलाइन वाटर हार्ड वाटर मतलब जिसकी जो है सॉल्ट uh, कंटेंट बहुत ही ज्यादा है एल्कलाइन वॉटर में भी ग्रो कर लेता है हाई कैल्शियम या हाई न्यूट्रिय वाले वॉटर में भी ग्रो कर लेता है तो ये जो है बहुत यूट्रोफाइड एज वेल एज ऑलिगोट्रोफिक वॉटर दोनों में ही ग्रो करता है मतलब कॉम कम न्यूट्रिय वाला और ज्यादा न्यूट्रिय वाला दोनों में ही इट कैन ग्रो और जो ग्रोथ के लिए एक कंडीशन बहुत ही असेंशियल है वो है स्लो फ्लोइंग वाटर बॉडी अगर स्लो फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा इसकी जो नेट है ये ब्रेक हो जाएंगी और ये ज्यादा देर तक वैसे वाटर बॉडी में टिक ही नहीं पाएगा पर ये जो है इट कैन टॉलरेट से फॉर एग्जाम्पल लो टेम्परेचर पर जो है पोलर रीजन जैसे बहुत ही ठंडे जगह पे ये ग्रो नहीं कर पाता तो मोस्टली जो है ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट रीजन तक तो ये ग्रो कर लेता है लेकिन पोलर रीजन में ये नहीं पाए जाते क्यों क्योंकि इसकी जो आइडल कंडीशन है ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए थर्टी फोर डिग्री उसी लिए जैसे कोई हमारे इंडिया में तो थ्रू आउट ईयर इट कैन ग्रो कंट्रीज़ में, में आ जाते हैं और क्या होता है दिस कैन रिटेटेन इज ग्रोथ रिगेन इट्स ग्रोथ आफ्टर The टेम्परेचर increases, that is, स्प्रिंग से लेके समर तक तो जो है इसकी जो है यूजुअली तो ये बॉयंट रहती है मतलब ऊपर जो है ऊपर वाले प्लैंकटोनिक कंडीशन में रहती है पर जब कभी-कभी क्या होता है बहुत ही जब कुछ ऐसे मतलब कोई तूफान आ गया या कुछ ऐसे हो गया तो ये जो है नीचे भी जा सकता है और फिर इट कैन रीसरफेस ऊपर भी आ सकता है तो ये जो है कभी कभी प्लैंक्टोनिक रहती है कभी कभी बेंथिक रहती है ये जो है दूसरे दूसरे प्लांट्स के साथ भी ये ये जो है एलोइडिया पोटामोगिटोन ये एनजियोस्पार्मिक प्लांट्स है तो हमने पहली स्लाइड में देखा कि ये दूसरे एलगी के साथ भी ग्रो कर लेता है और दूसरे अभी देख रहे हैं कि दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के साथ भी ग्रो करता है विच मींस दैट अभी इसके जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही हमने देखा था कि ये टेम्परेट ट्रॉपिकल ये जो ट्रॉपिकल रीजन है टेम्परेट रीजन है ये सारे रीजन में इट कैन ग्रो एक्सेप्ट लिविंग आउट दिस दिस वेरी जो uh, जो ये वाली बहुत ही ठंडा वाला जो, जो जोन है उसमें ये ग्रो नहीं कर पाता तो हम कह सकते हैं कि एंटार्टिका को अगर छोड़ देते हैं तो सारे जो कॉन्टिनेंट्स में ये कहीं ना कहीं मिली जाते हैं इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलिटन है पांच स्पीशी में से इंडिया में दो ही स्पीशी पाए जाते हैं और ये जो है आ, हमारे इंडिया में भी ईयर राउंड पाए जाते हैं लेकिन इसकी जो एबंडेंस हो जाती है इंडिया में ड्यूरिंग द रेनी सीजन और जो जो कोल्ड टेम्परेचर वाले कंट्री है उसमें ये इसकी अबंडेंस रहती है स्प्रिंग सीजन में इंडिया में रेनी सीजन में क्यों अबंडेंट होता है क्योंकि इंडिया में जो है आ, समर सीजन में बहुत सारे जो वाटर बॉडीज होते हैं वो सूख जाते हैं रेनी सीजन में जैसे ही वाटर बॉडीज में पानी आता है तो इसकी जो है अबंडेंस बढ़ने लगती है दूसरे दूसरे ठंडे जगह में जहाँ पे विंटर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं जैसे ही स्प्रिंग टाइम आया टेम्परेचर ते, सही हुआ इसके ग्रोथ के लिए देन इट स्टार्ट ग्रोइंग इन अबंडेंस कुछ कुछ जगह में फिशरी के लिए जो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इंट्रोड्यूस किया गया था जैसे न्यूजीलैंड में बट ड्यू टू इज एक्सेसिव ग्रोथ क्योंकि इसकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है ये बहुत ही अच्छा है तो इसीलिए इसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण ये इसकी जो है ग्रोथ भी हाई ग्रोथ रेट रहती है और जिसके कारण ये जो है इन्वेसिव हो जाती है और पूरी जो है वाटर बॉडी ढक देता है ब्लूम कर देता है तो उसके वजह से दूसरे दूसरे जो नेटिव प्लांट्स रहते हैं इनको भी Uh, क्या होता है इनकी जो डायवर्सिटी कम हो जाती है तो बहुत सारे जगह पे जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है फिशरी के हेल्प के लिए इधर ये जो है दूसरे प्लांट्स की डाइवर्सिटी कम कर दिया है अब आते हैं इसकी मोर्फोलॉजी में मतलब ये बाहर से कैसा दिखता है ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है एक जो है एक कैप्सूल शेपड स्ट्रक्चर रहती है एक वाटर नेट वाला नेट वाली और इसकी जो है अंदर वाले पोर्शन में ये हॉलो रहती है सो ये कैप्सूल शेपड स्ट्रक्चर व्हिच इज हॉलो इन द सेंटर एंड दिस प्लैंकटोनिक नेट इज मैक्रोस्कोपिक मतलब हम देख सकते हैं खाली आंख से और ये जो नेट होती है इसकी जो है इसकी जो है, इसकी जो है न, 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 नेट में 5 या 6 मैक्सिमम रहती है पर मोस्टली पांच या छह ही रहती है पर तीन से नौ भी देखा गया है पर तीन या नौ वाले नेट जो है नंबर ऑफ सेल्स इन द नेट ये बहुत ही रेयर रहता है मोस्टली फाइव टू सिक्स मेंबर्ड नेट ही रहती है और जो नेट की एक एक साइज रहती है मतलब मेच्योर नेट की जो साइज रहती है मतलब ऐसे ये वाली नेट की ये आठ इंच तक भी बड़ा हो सकता है दैट इज मैक्रोस्कोपिक पर ऐसे जैसे आठ इंच वाले जो आ, नेट है उसमें सौ से लेके हजार तक सेल्स भी रह सकता है और ये जो है सेवरल इंचेस इन डायमीटर रहती है और ये जो सेल रहती है एक एक जो सेल कुछ ऐसा दिखता है इसमें जो एक एक सेल रहती है ये जो है ये इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होती है तो ये जो हमने अगर रिकेपिचुलेट करे तो ये जो एक आ, क्या बोलते हैं इसको एक कैप्सूल और जो कि एक हॉलो रहती है नेट रहती है और नेट में एक एक आ, जो है एक एक नेट जो है पाँच की से से मोस्टली ऑर्गेनिज सेल्स रहती है जो कि मैक्रोस्कोपिक एक नेटवर्क बनी रहती है अब देखते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है इसकी एनाटोमी क्या है ये कुछ ऐसा दिखता है एक सेल में हमको पता है कि जो नेट है इसमें एक सेल दूसरे सेल से एंड टू एंड ज्वाइन हुआ है सो so, अगर हम ये वाले सेल को अगर जूम आउट, जूम इन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है तो सेल इज ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल इन शेप और जो सेल है इसकी जो सेल वॉल है ये दो लेयर की बनी होती है एंड मोस्टली ये सेलुलोज़ से ज्यादा बनी होती है दूसरे दूसरे जो जैसे पैक्टेन या कुछ कैल्शियम uh, या मिनरल जो है इस पे लगी नहीं रहती है वजह से इसकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है पर इसकी जो वॉल इतनी मतलब सॉफ्ट uh, है तो रेजिस्टेंट नहीं है इसको ये मेकओवर कैसे करता है बाय हाई ग्रोथ रेट तो ये जो है सेल वॉल ऐसी है दो की है फिर सेल वॉल के अंदर जो आ, क्या बोलते हैं इसकी साइटोप्लाज्म है ये जो है इनमें एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल रहती है तो ये जो साइटोप्लाज्म है तो इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल रहती है और वैक्यूल के चारों ओर छोटे 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 बहुत सारे न्यूक्लियस रहती है और क्लोरोप्लास्ट भी रहती है क्लोरोप्लास्ट भी क्लोरोप्लास्ट भी रहती है तो ये जो है जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल रहती है अब इसकी जो है पहले जब सेल इमेच्योर रहती है तो एक ही न्यूक्लियस रहती है धीरे धीरे सेल जैसे बड़े साइज की होने लगते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लियट हो, जाते हैं और ऐसे भी दूसरे दूसरे ऑर्गेनल्स भी रहते हैं इसमें और इसकी जो है जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो पहले तो क्या रहती है एक या दो ही क्लोरोप्लास्ट रहते हैं लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं इसकी भी नंबर बढ़ जाते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट जो है रेटिकुलेट हो जाते हैं पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें मल्टीपल पायरिनॉइड्स रहते हैं अब पायरिनॉइड्स क्या है पायरिनोइड्स एक स्टार्च आ, स्टोरिंग बॉडी होती है पर ये जो पायरेनॉइड होते हैं, जैसे ही जूसपोर होने लगते हैं या गैमेट होने लगते हैं, तब ये जो है पायरेनॉइड को फिर से हम देख नहीं पातेनोइड आर प्रेजेंट टिकम मैच्योर एंड स्टर्स डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस सॉरी द प्रोटोप्लस डिवाइड टू प्रोड्यूस आइर जाइोसोर या गैमेट तब तक ये पायरेनॉइड को हम देख सकते हैं फिर ये डिसअपीयर हो जाते हैं इसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अब जो है ये बहुत ही एक इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट प्लांट है एलगी uh, है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के ये हमारे जो फिशर इंडस्ट्री में बहुत काम आता है कैसे एक तो जितने भी छोटे-छोटे इनवर्टिब्रेट्स हैं या फिशेस की बच्चे फिश फ्राई है तो वो भी इस इस वाले जो वाटर नेट में ये ये एक शेल्टर की तरह काम करता है ऊपर से ये जो वाटर नेट या हाइड्रोडिक्टियन है ये जो है बहुत सारे इंसेक्ट या गैस्ट्रोपॉड की फूड की तरह काम करता है सो इट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन इस गैस्ट्रोपॉड को खाता है कौन ये गैस्ट्रोपोट को खाता है फिशेस और फिशेस जैसे ही जैसे ही हाइड्रोडिक्टियन मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या बार बढ़ती है जैसे ब्लू ब्लूम हो गया तो क्या होता है कि की जो है पॉपुलेशन या इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाता है अब इंसेक्ट की पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है तो मछली भी बहुत सारा जो है इनको खा के अपना वेट गेन कर लेता है तो जैसे ही देखा गया है कि कोई हाइड्रोडिक्टियन की ब्लूम हुई है तो जो फिश जो पकड़े जाते हैं उनकी साइज भी बड़ी रहती है और फिश की नंबर भी अबंडस भी बढ़ जाता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री इसकी जो है ग्रोथ ज्यादा होती है तो फिशिंग इंडस्ट्री में भी लाभ होती है फिशिंग इंडस्ट्री में ब्लूम तो अगर ब्लूम होता है तो पहले पहले तो इसकी जो है फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है उनमें जो है प्रॉफिट होने लगते है लेकिन अगर ये ब्लूम कंटिन्यू करता है तो क्या होता है जो ब्लूम जो डेट एलगी होता है वो क्या होता है इट एंड जो डिकम्पोज़िशन के लिए ये जो है एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन एनॉक्सिक कंडीशन तैयार होता है जिससे क्या होता है उल्टा जितने भी है, है, फिशेज वो खत्म होने लगते हैं सो ब्लूम जो है हमको कंट्रोल करना चाहिए और ब्लूम कैसे कंट्रोल होते हैं इसकी भी हम देखेंगे तो जो है ब्लूम जो है ये इफ इट इज अनकंट्रोल देन इट कैन कॉज फिश डेथ एंड एज वेल एज डेथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम इन दिस्टम ऑल्सो सो ब्लूम शुड बी कंट्रोल्ड अब जो है ये ज्यादा ब्लूम हो जाते हैं तो क्या होता है एक तो जो एक्टिक बॉडी वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है कोई एक लेक है उसमें हम बोटिंग कर रहे हैं और लेक की जो पूरी सतह है अगर ढकी हुई है एक्वेटिक ब्लूम से तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ऊपर से क्या होता है अगर ये कोई रिवर या इरिगेशन चैनल में है तो ये क्या करता है उसको ये ब्लॉक कर देता है तो हाइड्रोडिक्टियन की जब ब्लूम होने लगती है तो हम क्या कर सकते हैं इसको क्या है हार्वेस्ट करके एक मल्च की तरह या फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये एक ये कुछ प्लांट है तो ये जो है इसकी रूट है तो हम क्या करेंगे जो हाइड्रोडिक्टियन है उसको हार्वेस्ट करके ये प्लांट के चारों ओर हम इसको फैला देंगे इससे क्या होगा जो सॉइल से वाटर जो है इवापोरेट हो जाता था वो इवापोरेशन रेट जो है बहुत कम हो जाएगा ऊपर से क्या होगा ये जो है आ, ये जो हाइड्रोडिक्टियन है वो क्या करेगा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेगा विच विल एक्ट एज अ फर्टिलाइजर तो ये ब्लूम जब हो रहा है तब यू कैन कैन हार्वेस्ट इट एंड यूज इट एज ए फर्टिलाइजर अब जब ब्लूम होती है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा जो बायोडाइवर्सिटी है दूसरे प्लांट्स की तो ये अपनी ग्रोथ से क्या करेगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स को स्मोदर कर देगा ये प्लैंक्टोनिक है मतलब वाटर के सरफेस पे ग्रो करता है तो इसकी जब ब्लूम हो जाती है तो जो नीचे वाले जो वाटर कॉलम में जो जैसे ये अपना वाटर कॉलम है तो ये ऊपर से ग्रो कर रहा है तो नीचे जो भी प्लांट्स है नीचे ये सारे जो प्लांट्स है तो इसके लिए क्या हो रहा है ये, ये जो है फोटोसिंथेसिस uh, करने के लिए जो लाइट जरूरी है वो तो ढक दे रहा है अपने ब्लूम से तो क्या होगा नीचे वाले जितने भी प्लांट्स है इट विल डाई आउट इफ द ब्लूम कंटिन्यूज तो ये क्या करता है ये अपने ब्लूम से जो है बायोडाइवर्सिटी कम कर देते हैं और जो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह भी कभी ये काम करता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोडिकॉर्मे ये क्या करता है इसकी जो है अगर इसकी जो अमाउंट ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है इस पानी में ज्यादा है तो ये जो है इट इज अयोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ वेरियस सॉल्ट दट इज प्रेजेंट इन द वॉटर इसके अलावा भी ये बायो रिमेडिएशन में भी हेल्प करता है कैसे जैसे ये रहती है तो जो है ये यूट्रोफाइड वाटर में ज्यादा रहता है मतलब ग्रो कर जाता है तो अगर पानी में ज्यादा न्यूट्रिएंट है और हमने उसमें ऐड किया हाइड्रोडिक्टियन तो ये क्या करेगा पानी से जितना भी न्यूट्रिएंट है लेके ब्लूम कर देगा और ब्लूम हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो क्या होगा पानी की जो न्यूट्रिय जो है वो तो ये एब्सॉर्ब कर ही चुका है तो पानी की न्यूट्रिय लेवल कम हो जाएगी तो यूट्रोफिकेशन जो है वो कम हो जाएगा ऊपर से ये जो है हैवी मेटल्स को भी अपने बॉडी में सिक्विस्टर करके रखता है तो ये जो बायो रिमेडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू इकोलॉजिकल जो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बायो रिमेडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इसके जो कंट्रोल मेजर्स बहुत सारे केमिकल्स है जिससे हम बहुत सारे एल्गीसाइड्स है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर से हम इसको चेक किसी ग्रोथ जो है चेक कर सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चरल रन ऑफ या रन रनऑफ वाटर बॉडी में ना डाले इसकी बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बहुत सारे है क्योंकि ये जो है प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर ऑफ द एक्वाटिक फूड चेन बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स

इसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इसकी रिप्रोडक्शन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशली इट्स बोथ सेक्सुअल एज वेल एज अक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कुछ अगर समझ में नहीं आया या यू वॉन्ट मी टू मेक ए न्यू वीडियो ऑन एनी न्यू टॉपिक प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन if you like this video please share it with your friends hit the like button and do subscribe to get more such videos kuch naya video then please write it in the comment section i will be definitely making uh, videos on your request thanks again for watching this video